नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रिशियन के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग गैर पारंपरिक ऊर्जा से विद्युत उत्पादन पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा कार्य करने की प्रणाली को दर्शाती है। क्या होती है ऊर्जा? हमारी कार्य करने की प्रणाली की क्षमता को जो दर्शाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका क्या कहने का मतलब हुआ कि केवल ऊर्जा के हम रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, हम उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे सिस्टम के अंदर जो है हमारी उतनी ही ऊर्जा हमेशा समान मात्रा में बनी रहती है। इंग्लिश में यदि हम लोग कहें तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बीइंग डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि ऊर्जा हमेशा एक सिस्टम के हमेशा अंदर उतनी हमेशा बनी रहती है। इसी कंसेप्ट का प्रयोग किया जाता है हमारे गैर पारंपरिक ऊर्जा के से विद्युत उत्पादन के लिए। अभी हम लोग इसको आगे जानते हैं, हम लोग किस तरह से गैर पारंपरिक ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन करते हैं। ऊर्जा को हमने मुख्य रूप से दो तरीके से वर्गीकृत किया है। एक होती है हमारी कौन सी? पारंपरिक ऊर्जा, और एक हमारी होती है गैर पारंपरिक ऊर्जा। अब पारंपरिक ऊर्जा क्या होती है? पारंपरिक ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जो हमारे पास क्या है, प्रकृति में सीधे तौर पे उपलब्ध होती है, जैसे तेल, गैस, लकड़ी, इनसे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है इसको क्या कहते हैं हम लोग? पारंपरिक ऊर्जा। ये जो ऊर्जा होती है ये हमारे पास क्या है? सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इन ऊर्जा को क्या है हमारे पास? एक समय के बाद इनके खत्म होने के डर बना रहता है। ये जो ऊर्जा होती है हमारी, ये क्या है? प्रदूषण भी बहुत ज्यादा फैलाती हैं। इसके कारण क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, हमारी ओजोन की लेयर में छेद बढ़ते जा रहे हैं, पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये पारंपरिक ऊर्जा के अंदर आती हैं। दूसरी हमारी चीज आती है गैर पारंपरिक ऊर्जा। गैर पारंपरिक ऊर्जा ऊर्जा का वो स्रोत जिनका उत्पादन लगातार हो रहा है और वह प्रकृति में क्या कभी समाप्त नहीं होंगी, गैर पारंपरिक ऊर्जा कहलाती है। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों को रिन्यूएबल एनर्जी भी कहा जाता है। रिन्यूएबल मतलब अक्षय। ये क्या है हमारे पास? इनको हम लोग कभी ये खत्म नहीं होगी, इसको हम दोबारा प्रयोग भी कर सकते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा के कई प्रकार से हमें प्राप्त होती है। एक होती है हमारे पास सौर ऊर्जा, जैव ईंधन, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, और एक होता है माइक्रो हाइड्रो पावर। आपके सामने जो ये चित्र बना है इसमें देखिए सेंटर में आपको जो देखने को मिल रहा है बीच में, वो क्या देखने को मिल रहा है? एनर्जी देखने को मिल रही है, फ्यूल देखने को मिल रहा है। और सबके सोर्स कौन है? सौर ऊर्जा, बायोगैस, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी या हाइड्रो पावर। इन सबसे मिलके क्या मिल रही है हमको? अल्टीमेटली फ्यूल प्राप्त हो रही है या ऊर्जा प्राप्त होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सौर ऊर्जा। जो ऊर्जा हमें सूर्य के गर्मी से प्राप्त हो रही हो, जिसको हम लोग बाद में क्या कर सकते हैं, किसी अन्य ऊर्जा को हम किसी और रूप में परिवर्तित करके प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो सोलर वाटर हीटर हो या विद्युत ऊर्जा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। जैव ईंधन किसे कहा जाता है? जिसे हम लोग बहुत आसान भाषा में जानते हैं बायोगैस एनर्जी के नाम पे। वो एनर्जी जो हमको कार्बनिक पदार्थों को सड़ाने से प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव ईंधन प्राप्त कहते हैं। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पवन चक्की से प्राप्त होती है। जो पवन चक्की जो हवाओं के प्रेशर से क्या होती है, घूमती हैं, तो उसके कारण क्या होता है, हम लोग इसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और उसका क्या प्रयोग कर सकते हैं आगे, वो क्या कहलाती है हमारी? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का और भी कई जगह प्रयोग होता है, जैसे चक्की वगैरह चलाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा ये आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि जमीन में जो होता है दरारों में से गर्म हवाएं या भाप के रूप में बाहर गैसेस निकलती हैं, इसका प्रयोग क्या किया जाता है? टर्बाइन्स को चलाने में या घुमाने में किया जाता है। इसके द्वारा क्या किया जा सकता है? हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। एक आती है हमारी ज्वार ऊर्जा। ज्वार ऊर्जा किसे कहा जाता है? जिसे हम लोग जानते हैं टाइडल एनर्जी, जो समुद्र में बड़े बड़े ज्वार भाटे उठते हैं उससे उत्पन्न हम जो बिजली उत्पादन कर सकते हैं उसे कहा जाता है ज्वार। इसके अलावा माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट, जो जल को ऊंचाई से गिराने पे टरबाइन पे जब टरबाइन घूमती है उसके कारण जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसको कहा जाता है माइक्रो हाइड्रो पावर। इन सारी ऊर्जाओं में से हम लोग जो आज देखेंगे वो देखेंगे हम सौर ऊर्जा और
जैव ईंधन ऊर्जा जिसे हम लोग कहते हैं बायो एंड गैस एनर्जी। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा किसे कहा जाता है? सबसे पहले जो हम लोग आज जान लें कि सूर्य जो है पृथ्वी पर सभी ऊर्जा का स्रोत है, कॉमन चीज है, इसी पे सारी चीजें क्या है, सारी ऊर्जा निर्भर करती है। और सबसे बड़ी खासियत जो है इसकी क्या है, ये किसी भी प्रकार के ग्रीन हाउस गैसेस का या वायु प्रदूषकों का उत्पन्न नहीं करता है। आज की तारीख में विश्व की जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो प्रदूषण की बनी हुई है। उस हिसाब से देखा जाए तो यह ऊर्जा जो है किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्सर्जन नहीं करती है। और इसका जो उपलब्ध है कोई ना कोई एनर्जी, चाहे हम लेके देखें विंड एनर्जी हो या हमारी टाइडल एनर्जी हो या जियोथर्मल एनर्जी हो, कहीं ना किसी रूप से वो सौर ऊर्जा पे निर्भर करती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, अगर हम बायोगैस एनर्जी की बात करते हैं तो सड़े गले पत्ते या सब्जियां हमें कैसे प्राप्त होगी जब तक सूर्य नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से ये सौर ऊर्जा पे सारी ऊर्जाएं कहीं ना कहीं से निर्भर करती है। अब देखिए होता क्या है, ये कई प्रकार से हम इसको लागू कर सकते हैं। सौर ऊर्जा को हम चाहें तो किसी भी तरीके से लागू किया जा सकता है, चाहे हम उसका सोलर इन्वर्टर के रूप में कर लें, हम चाहें तो इसका उपयोग सोलर वाटर हीटर के रूप में कर लें, हम चाहें तो इसका उपयोग सोलर कुकर के रूप में कर लें, या हम चाहें तो इसका उपयोग सोलर फोटोवोल्टिक सेल के रूप में कर लें। देखिए सोलर वाटर हीटर और सोलर कुकर ये बहुत सी सिंपल चीजें हैं जो हम लोग सब जानते हैं, देखा भी है लगभग हम लोगों ने। सोलर कुकर में क्या होता है, एक डब्बा बना होता है इस तरह से, उसके ऊपर क्या होता है कांच लगा होता है, और कांच के अंदर एक काले रंग का बर्तन रखा जाता है। काला रंग क्यों रखा जाता है, क्योंकि काला रंग जो है सूर्य की किरणों को ज्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। और ऊपर जो कांच लगा होता है वो कांच क्या करता है, उन सूर्य की किरणों को एक तरफ केंद्रित करता है, कंसंट्रेट कर देता है उस डब्बे के ऊपर। तो उस डब्बे के अंदर जो भी चीज रखी होती है वो सूर्य की गर्मी से क्या होती है, अंदर गर्म होना शुरू होती है और क्या होता है पकने लगती है, तो उसे क्या कहा जाता है, सोलर कुकर। इसी तरह आता है एक सोलर वाटर हीटर, इसका उपयोग सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है बड़ी बड़े होटलों इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है, और साथ ही साथ मल्टीज वगैरह में देखने को मिलता है। अब यह आमतौर पर घरों में भी प्रयोग किया जाने लगा है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक टैंक बनाया जाता है, पानी स्टोर करा जाता है उसके अंदर, जिसे स्टोरेज टैंक कहा जाता है। और इसके अंदर क्या किया जाता है, इस तरह से कई ढेर सारी पाइपें इस तरह से घुमाई जाती है, जिसके अंदर क्या होता है पानी को भरा जाता है। इस पाइप में क्या होता है, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, और हीट एब्जॉर्ब करती हैं तो जो इसके अंदर पानी भरा होता है वो गर्म होना शुरू हो जाता है, और उस पानी को क्या किया जाता है, स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लिया जाता है और बाद में आगे उपयोग में ले आया जाता है। इसके अलावा जो दो मुख्य चीजें निकल के आती हैं जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा उपयोग की जा रही, वो है हमारे पास सोलर इन्वर्टर और सोलर फोटोवोल्टिक सेल। अब हम लोग ये जान लेते हैं सोलर इन्वर्टर और सोलर फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग क्या है और मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर फोटोवोल्टिक सेल और जो सोलर इन्वर्टर है, ये आज की तारीख में हमारे देश में या विश्व में कहीं जाए तो सबसे ज्यादा उपयोग की जा रही है। छोटे से छोटे कैलकुलेटर में भी आपने देखा होगा तो उसमें भी क्या होती थी, सोलर फोटोवोल्टिक सेल लगाई जाती थी, सोलर एनर्जी से वो चार्ज हो जाता था और उसका हम लोग उपयोग करते थे। सोलर इन्वर्टर में क्या होता है, आपके सामने ये जो चित्र बना है इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि ये कहलाता है हमारे क्या, सोलर पैनल। ये छत की छतों पे इस तरह से इसको लगाया जाता है कि सूर्य की किरणें इस पर हमेशा पड़ती रहे। जब यहाँ सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये क्या करती हैं, ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। ये कैसे ऊर्जा उत्पन्न करती है, अभी हम आगे फोटोवोल्टिक सेल में इसको देखते हैं। फिर ये जो ऊर्जा होती है हमारी कहाँ जाती है, इन्वर्टर में जाती है, जहां पे इसको क्या किया जाता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जाता है। उस इन्वर्टर में क्या दिया जाता है, उस इन्वर्टर का उपयोग फिर हम लोग क्या करते हैं आगे, तो हमारे मेन स्विच बोर्ड में ले आते हैं। मेन स्विच बोर्ड से हमारे फिर से वो क्या होती है, घरों में उपयोग की जाती है। जितनी ऊर्जा हम लोग घर में उपयोग करना चाहते हैं ऊर्जा का, उतना हम लोग अपने घरों में प्रयोग करते हैं। बची हुई ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, आगे अपने मीटर में वापस भेज देते हैं। और ये जो मीटर होता है ये हमारा ग्रिड के साथ क्या होता है, सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है, और बची हुई ऊर्जा को वापस ग्रिड में भेज दिया जाता है। ऐसा करने से हमें क्या फायदा मिला, ऐसा करने से हमें ये फायदा मिला कि जो है हमने जब इसको लगाया तो हमारे घर में जो हम किसी भी बिजली कंपनी को जो बिल पे कर रहे थे वो अब हमें नहीं करना पड़ा। क्यों, क्योंकि हमने जो बिजली सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं उसी का प्रयोग कर लिया, और जो ऊर्जा हमारी नहीं यूज हुई, जिस बिजली का हमने नहीं उपयोग किया, उस बिजली को हमने क्या किया, आगे बढ़ा दिया, जिसका हम लोगों ने आगे ग्रिड सिस्टम के माध्यम से कहीं और उपयोग कर लिया।
तो हमें दो फायदे मिले, एक तो हमारा बिल नहीं आया और इकोनॉमिकल फायदा हमको ये मिला कि जो बची हुई ऊर्जा थी उसके लिए भी हमें कंपनी वालों ने पे कर दिया। लेकिन इसके साथ एक जो दिक्कत आती है सोलर पैनल के साथ, वो आती है इसकी इनिशियल कॉस्ट। इसकी इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो बहुत महंगी होती है, प्रारंभिक लागत जिसे कहा जाता है, लेकिन जो इसकी रनिंग कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, जिसके कारण इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसमें खाली एक ही सबसे बड़ा नुकसान है, वो कौन सा है, प्रारंभिक लागत। अदरवाइज ये पूरा सिस्टम जो है काफी हमारे लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल है और लाभकारी है आगे भविष्य के लिए। आइए अब देखते हैं सोलर फोटोवोल्टिक सेल के बारे में। सोलर फोटोवोल्टिक सेल होती क्या है बेसिकली? जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल है, या एक सेल कहा जाता है कि मटेरियल है जो क्या है, विद्युत उपकरण है जो प्रकाश की ऊर्जा को सीधे क्या करता है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट के कारण, प्रभाव के कारण क्या करता है, बिजली में परिवर्तित करता है, जो एक भौतिक और रासायनिक घटना होती है। कौन सी घटना होती है? भौतिक रासायनिक घटना होती है। तो एक वो सेल या एक वो फोटोवोल्टिक सेल एक वो विद्युत उपकरण है जो प्रकाश की ऊर्जा को क्या करता है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट के माध्यम से सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक या रासायनिक घटना के रूप में जानते हैं। इसके अलावा हम ये जान लेते हैं कि ये फोटोवोल्टिक वर्ड आया कहाँ से, या फोटोवोल्टिक सेल वर्ड आया कहाँ से। फोटो का वर्ड जो है इसका मतलब होता है लाइट, ठीक है, और ये जो हमारा सेल है इसका मतलब होता है ऊर्जा या विद्युत। तो ये फोटोवोल्टिक सेल जो हमारा वर्ड है ये यहाँ से निकल के आया है। नॉर्मल जो चीजें ये बनती है फोटोवोल्टिक सेल, ये स्पेशल मटेरियल होता है जिसे कहा जाता है सिलिकॉन, इससे बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, जब इस मटेरियल की खासियत ये होती है जब इसको धूप में रखा जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करती है। अब फोटोवोल्टिक सेल का जो सिंबल है ये आपको यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे, ये बना हुआ है, इसको ये जो इसको फोटोवोल्टिक सेल को इस माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं फोटोवोल्टिक सेल कार्य कैसे करती है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखिए आपके सामने है कि फोटोवोल्टिक सेल का एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन आपके सामने हमने दिखाया है, ये किस तरह से बनाई जाती है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल के ऊपर पीएन जंक्शन के पी टाइप सिलिकॉन जो होती है, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये लगाए जाते हैं। इसका क्या तैयार किया जाता है, दो पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर मटेरियल को मिला के एक जगह रखा जाता है। अब इसके ऊपर क्या किया जाता है, एक निकल की प्लेटिंग लगा दी जाती है, देखिए आपको देखने को मिल रही होगी ये निकल प्लेटिंग इसके ऊपर लगाई गई है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। ये क्या काम करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट बनाने का काम करती है। और इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और होल्स का फ्लो होता है। होता कैसे है वो अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इसमें कार्य किया जाता है। अब होता क्या है कि जब सूर्य की किरणें, लाइट एनर्जी जब इसके ऊपर पड़ती है, इस प्लेट के ऊपर जब पड़ती है, तो इन मटेरियल की क्या खासियत होती है, ये सूर्य के फोटॉन्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन से उनको रिलीज करते हैं, एक बहुत छोटी मात्रा में एक एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिनको कहाँ स्टोर कर लिया जा सकता है या उपयोग कर लिया जाता है, इन निकल की पॉजिटिव नेगेटिव प्लेटों के माध्यम से, एक लोड के माध्यम से इनका उपयोग कर लिया जाता है। तो ये जो स्पेशल टाइप के मटेरियल होते हैं इनका प्रयोग जो है सोलर सेल में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इसी प्रिंसिपल का प्रयोग जो किया जाता है पूरा सोलर पैनल डिजाइन करने में किया जाता है। कैसे उस सोलर पैनल को डिजाइन किया जाता है, तो ये जो सिंगल सेल बनती है, जो हमारी फोटोवोल्टिक सेल है उसको क्या कहते हैं, हम लोग सिंगल सेल कहते हैं। जब हम कई सेल को मिला लेते हैं तो उससे क्या बन जाता है, हमारा एक मॉड्यूल तैयार हो जाता है। और जब हम एक मॉड्यूल से क्या बना लेते हैं, हम लोग पैनल तैयार कर लेते हैं। जब कई पैनल को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या बनता है, वो एरे। इस एरे के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। ये पूरा जो प्रिंसिपल होता है उसी पे कार्य करता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और किस तरह निकल की प्लेटिंग के माध्यम से हम इसको लोड के माध्यम से उपयोग कर लेते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम हमारा कहलाता है, ये कहलाता है फोटोवोल्टिक सेल का प्रिंसिपल। अब हम अपने दूसरे जो हमने गैर पारंपरिक ऊर्जा की बात की थी उसकी बात करते हैं, वो आती हमारी बायोगैस या जिसे कहा जाता है जैव ईंधन ऊर्जा। बायोगैस बेसिकली होती क्या, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। बायोगैस जो होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब कार्बनिक पदार्थों के टूटने से कोई गैस उत्पन्न होती है तो उसको क्या कहा जाता है, बायोगैस कहा जाता है। क्या बताया हमने आपको, एक दोबारा बार हम बताना चाहेंगे कि जब ऑक्सीजन की
अनुपस्थिति में, मतलब अनुपस्थित मतलब बिल्कुल भी ऑक्सीजन की उपस्थिति ना रहे वहां पे। और जो कार्बनिक पदार्थ तो होते हैं, कार्बनिक पदार्थ यहाँ कहने का मतलब है मुख्य रूप से लकड़ी से प्राप्त कचरा, घरों से निकलने वाला सड़ने वाला कचरा, कृषि की फसलों से निकलने वाला कचरा, और मुख्य रूप से इसमें गाय या भैंस का जो गोबर होता है उसका उपयोग कार्बनिक पदार्थ के रूप में किया जाता है। जब इसको के पानी के मिक्सचर के साथ जब इसको सड़ाया जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो उसमें से गैसें निकलती हैं, उसे कहा जाता है बायोगैस। इसमें मुख्य रूप से जो गैस निकलती वो होती है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो मीथेन का परसेंटेज होता है वो लगभग निकल के आता है कितना, 70%, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, खाना पकाने में भी करते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या निकलती है, हमारी मीथेन गैस निकलती है। अब हम ये देख लेते हैं कि बायोगैस प्लांट का डिजाइन कैसे किया जाता है, किस तरह से उनको बनाया जाता है। बायोगैस प्लांट को हमने बेसिकली दो रूप से डिवाइड करके रखा है। एक हमने कहा है फिक्स डोम टाइप डाइजेस्टर टाइप, और एक हमने बताया फ्लोटिंग गैस टाइप। इन दोनों के बारे में अभी हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं फिक्स डोम टाइप डाइजेस्टर। फिक्स डोम टाइप बायोगैस डाइजेस्टर प्लांट जो होते हैं, इसमें क्या होता है, जो हमारा ये डाइजेस्टर और ये गैस कलेक्टर होते हैं, इसको जमीन के नीचे बनाया जाता है। जमीन के निचले स्तर पे इनको बनाया जाता है। सिर्फ जमीन के ऊपर जो देखने को मिलता है हमें, सिर्फ इसमें क्या देखता है, इनपुट डालने के लिए, स्लरी डालने के लिए, और आउटपुट से स्लरी निकालने के लिए। इस डाइजेस्टर का निर्माण जो है हम लोग को कोई स्पेशल सामग्री से नहीं करना पड़ता है, जो हमें स्थानीय रूप से उपलब्ध होती है हम उससे भी कर सकते हैं, जैसे ईंट से या टेराकोटा से या पत्थरों से, इनका प्रयोग करके हम लोग इसको बड़े आसानी से निर्माण कर सकते हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं फिक्स डोम टाइप डाइजेस्टर दिखता कैसा, उसकी खासियत क्या होती है। ये हमारे सामने जो एक दिख रहा है आपको फिक्स डोम टाइप डाइजेस्टर दिख रहा है। इसे क्यों फिक्स डोम कहा गया है, क्योंकि ये जो चीज होती है जहाँ गैस को इकट्ठा किया जाता है इसको कहा जाता है डोम। और ये जो डोम है हमारा क्या है, इसके अंदर हमारी गैस इकट्ठा की जाती है, और ये जो होता है फिक्स है, इसमें क्या है, ये हिलता डुलता नहीं है, ये जमीन के पूरी तरह नीचे है। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये ग्राउंड लेवल है हमारा। ये जो ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल पे हमें सिर्फ खाली एक चीज देखने को मिल रही है, वो कौन सी, वो है स्लरी और काउडंग कैटल डालने के लिए। मतलब कैसे हम लोग इसमें गोबर और कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कचरा, सब्जियां, फल, इन सारी चीजों को पानी के साथ मिक्स करके जब डालते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, स्लरी कहा जाता है। और ये हमारा जो होता है इसको कहा जाता है मिक्सिंग टैंक। इस मिक्सिंग टैंक के माध्यम से क्या किया जाता है, इसको इनलेट चैम्बर में डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है, इनलेट चैम्बर में। फिर ये जो हमारा स्लरी है जो वाटर के साथ मिक्स हो जाती है जब, तो इसको क्या किया जाता है, हम लोग इसको अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक में भेज देते हैं। ये हमारा है मेन अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक, इसके रास्ते ये क्या हुई, नीचे आ गई यहाँ से। अब ये क्या होती है, यहाँ पे ये प्रोसेस हमारी क्या होती है, डीकम्पोजिशन की, सड़ने की शुरू होती है, उसके कारण क्या होता है, गैसों का निकलना शुरू होता है। जो गैस होती है हमारी कहाँ की इकट्ठा हो जाती है, डोम में आके इकट्ठा होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स टाइप या गैस डोम टाइप कहते हैं। इसके अंदर जब ये गैस इकट्ठा हो जाती है तो इसको क्या किया जाता है, आउटलेट वॉल्व के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। किसी किसी गैस टाइप, जो फिक्स डोम टाइप हमारे डाइजेस्टर तैयार किए जा रहे हैं, उसको अब क्या किया जा रहा है, उसमें एक कलेक्टर का उपयोग कर लिया जाता है। यहाँ पे एक कलेक्टर लगा दिया जाता है, और उस कलेक्टर में क्या किया जाता है, उसको यहाँ पे गैस को इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके अलावा ये जो गैस के सड़ जाता है सामान, तो ये क्या होता है, हमारा आउटलेट चैम्बर में आके इकट्ठा होता है। होता है क्या, जब आप यहाँ से एक समय के बाद दोबारा इनपुट डालेंगे तो ऊपर से जब चीज नीचे आएगी तो नीचे वाली चीज फिर से ऊपर की ओर उठती है, तो दाहिने हाथ की तरफ से क्या होती है, ऊपर निकल जाती है, और ये कहाँ चली जाती है, हमारी आउटलेट चैम्बर में चली जाती है। जब आउटलेट चैम्बर में हमारी चीज चली जाती है तो वहां से हम इसका कहाँ उपयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग हम लोग दोबारा कर सकते हैं खाद के रूप में, जब हमें खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमें गैस भी प्राप्त हो गई, और इसका दूसरा सबसे बड़ा ज्यादा उपयोग जो हम लोगों ने कर लिया वो कहाँ कर लिया, खाद के रूप में खेतों में प्रयोग कर लिया। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, जिसे कहा जाता है फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप। इसको फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप क्यों कहा जाता है, इस डिजाइन में एक डोम जो डिजाइन किया गया है वो लोहे का तैयार किया गया है, और उसको क्या किया जाता है, स्लरी के ऊपर एक्सियल सपोर्ट के माध्यम से रखा जाता है। जब स्लरी में गैस उत्पन्न होती है, जो ये गैस हम लोग की जब सड़ने के बाद उत्पन्न होती है, तो कहाँ इकट्ठित हो जाती है, डोम में जाके इकट्ठा होती है, और ये डोम जो होता है क्या होता है, ऊपर की तरफ गैस के कारण फूटने लग जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये फ्लोटिंग गैस होल्डर दिखता कैसा है। ये फ्लोटिंग गैस होल्डर जो होता है कुछ किस तरह से दिखता है, इसमें भी मिक्सिंग टैंक होता है ये देखिए, और एक होता है
आउटलेट चैम्बर, जिसे कहा से हम लोग क्या करते हैं स्लरी को बाहर निकालते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे देखा था फ्लोट फिक्स डोम टाइप में, उसमें क्या हो रहा था, ये जो हमारा चैम्बर था वो जमीन के नीचे था, लेकिन जो फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप होता है इसमें आप ये लोहे का जो ये टैंक देख पा रहे हैं ये क्या है, जमीन के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। इसको सपोर्ट किससे दिया गया है, इस एक्सियल सपोर्ट के माध्यम से इसको यहाँ टिका दिया जाता है। होता क्या है, जब हम यहाँ पे मिक्सिंग टैंक से जब स्लरी को नीचे गिराते हैं तो ये स्लरी हमारी कहाँ आके इकट्ठा हो जाती है, इस डाइजेस्टर टैंक में। इस डाइजेस्टर टैंक में जब ये सड़ना शुरू होती है गैस, तो ये गैस क्या करते हैं इस फ्लोट इस टैंक में जाके हम लोग इकट्ठा कर देते हैं। जैसे ही ये गैस में ये स्लरी गैस हमारी इकट्ठा हो जाती है तो ये जो स्लरी होती है हमारी आउटलेट चैम्बर में बाहर निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन इस गैस के हल्के दबाव के कारण क्या होता है, ये जो चैम्बर होता है हमारा ऊपर की तरफ उठने लग जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप प्लांट। इसके द्वारा हम लोग आउटलेट जो हमारी बनी हुई है इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इस स्लरी को बाहर निकाल के खाद के रूप में खेतों में प्रयोग कर लेते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बायोगैस प्लांट के कई और भी फायदे हमारे पास निकल के आते हैं। सबसे पहली चीज जो निकल के आती है, सस्ती है और आसानी से हमारे पास उपलब्ध हो सकती है। इसका उपयोग हम लोग गांव स्तर पर बहुत अधिक तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा जब बिना धुएं के हमें बहुत अच्छा ईंधन प्रोवाइड करती है, स्वच्छ ईंधन प्रोवाइड करती है, जिसका उपयोग हम लोग अपने घरों में खाना बनाने में भी कर सकते हैं। दूसरा, जो गांव में पहले लकड़ी के माध्यम जलाने के हम लोग खाना उत्पन्न बनाने में जो गैस ऊर्जा को उत्पन्न करते थे, उस ऊर्जा को अब हम लोग क्या है इसके माध्यम से यूज कर सकते हैं। दूसरा, इससे हमें क्या फायदा मिल गया, इससे हमें पर्यावरण हमारा बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं हुआ, जो आज की हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और जो हमारी इसके अंदर जो स्लरी निकल रही है इसका उपयोग भी हम लोग खाद के रूप में बाद में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग सौर ऊर्जा बायोगैस से हम लोग जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। देखिए, ये जो आपके सामने एक दिखाया गया है ब्लॉक डायग्राम, इसमें क्या होता है, एक बायोमास जिसे हम लोग बायोमास में जब भी कार्बनिक मटेरियल जिसमें हम लोग ने बताया था आपको उसका प्रयोग किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, कंबशन चैम्बर होता है हमारा। कंबशन चैम्बर में क्या किया जाता है, इसको जलाया जाता है। इसको जलाने से क्या होती है, इसके अंदर स्टीम प्रोड्यूस की जाती है। इस स्टीम बॉयलर के अंदर उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जो स्टीम प्रोड्यूस हुई उस स्टीम को हमने और अधिक गर्म किया, उस गर्म स्टीम को हम लोगों ने क्या किया, स्टीम वाल्व के माध्यम से स्टीम टरबाइन में भेजा। टरबाइन एक क्या होती है, मैकेनिकल डिवाइस होती है जो क्या करवाती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी को जो है जनरेटर के साथ कपल करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इस बॉयलर में जब वो स्टीम गर्म हो जाती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन पे भेज देते हैं। बची हुई स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, वापस स्टीम कंडेंसर में भेज देते हैं। स्टीम कंडेंसर में क्या किया जाता है, इस स्टीम को फिर से ठंडा किया जाता है और वापस से इसको स्टीम बॉयलर में वापस भेज दिया जाता है। इससे क्या होता है कि स्टीम का बिल्कुल भी हमारा वेस्टेज नहीं होता और ये कंटिन्यूस साइकिल हमारी चलती रहती है। इधर से हम लोग क्या करते हैं, ठंडा पानी लेते रहते हैं जिसके कारण ये जो गर्म स्टीम आ रही है इसको हम ठंडा कर सकें। और इसके बाद जो जनरेटर से हमारी आउटपुट पावर निकलती है उसको हम लोग क्या करते हैं, इस अपने पावर ग्रिड पे भेज देते हैं। इस एसी जनरेटर के पावर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, किसके वॉल्व की स्पीड को। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर एक लगा होता है पॉल्यूशन कंट्रोल, जो हमारे क्या करता है, जो हम चैम्बर में गैस को जला रहे हैं थोड़ा बहुत भी जो कचरा या गैसेस निकल रही है उसको क्या करा जाता है, चिमनी के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। चूंकि बायोमास गैस की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे कि इसकी इफिशियंसी बहुत कम होती है विद्युत ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से, इसलिए इसका उपयोग क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा उत्पादन में इसका उपयोग कोल पावर प्लांट के साथ मिक्स करके किया जाता है। अकेले विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो यह जो है हमारे लिए उतना इफेक्टिव नहीं रहता, इतना इफिशियंट नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, इसको हमेशा एक कोल पावर प्लांट के साथ कपल करना पड़ता है। और जब हमारी ये बायोमास खत्म हो जाती, जब इसकी पावर खत्म हो जाती तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कोल पावर प्लांट के माध्यम से यहाँ पे क्या करते हैं, इसको विद्युत उत्पादन को जारी रखते हैं। इसलिए ये जो हमारा विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो बायोमास वाला इतना इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन अगर इसको खाली हम देखें कि बायोगैस के माध्यम से जो हम मीथेन का प्रोड्यूस करके उसको खाना बनाने में प्रयोग कर रहे हैं उससे ये हमें काफी इफेक्टिव हो रहा है, और उसमें से निकलने वाली जो स्लरी होती है उसका उपयोग हम लोग खाद के रूप में ज्यादा अच्छे तरीके से कर ले रहे हैं।
अब हम लोग बात कर लेते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा के लाभ और हानि के बारे में। थोड़ा सा हम लोग यहाँ दिखाने बताना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा आप लाभ जो है आपको कौन सा है, प्रदूषण का, पॉल्यूशन का, बिल्कुल गैर प्रदूषणकारी। आप कोई भी ऊर्जा का प्रयोग करेंगे वो गैर जो है वो गैर प्रदूषणकारी होगी, चाहे आप उसको सौर ऊर्जा के रूप में देख ले, चाहे विंड एनर्जी के रूप में देख ले, चाहे बायोगैस के रूप में देख ले। ये हमको ऊर्जा की जो इफिशियंसी है वो अधिक प्रदान करती है। सोलर, आपको अभी हमने बताया कि सौर सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है। इसकी जो चलने की और रख रखाव की लागत है वो क्या होती है, कम होती है। ये ऊर्जा जो हमारे पास क्या है, आसानी से उपलब्ध है, नेचर में उपलब्ध है, फ्री में उपलब्ध है, मुफ्त में है। हमारे आपको इसके लिए किसी चीज की पेमेंट नहीं कर पानी पड़ रही, इसलिए क्या हमारे लिए ये बहुत इकोनॉमिकल है। ये जो ऊर्जा है, किसी भी, ये सारी ऊर्जा हमने अभी अब देखी, वो किसी भी तरीके से नष्ट नहीं होने वाली। जब तक ये पृथ्वी रहेगी ये सारी ऊर्जा इनमें हमारे पास उपलब्ध रहेगी। और जो हमारी आज की समस्या बनी हुई है, चाहे वो ग्रीन हाउस गैसेस की या ग्लोबल वार्मिंग की, वो क्या होती जा रही है हमारी, अब इसके माध्यम से हम कम कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण जो थे, क्या थे, गैर पारंपरिक ऊर्जा के लाभ थे। अब इसकी कुछ हानियों के बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। कि इसकी सबसे जो डिफिकल्ट चीज आती है, वो निकल के आती है उच्च प्रारंभिक लागत। उच्च प्रारंभिक लागत कहने का मतलब है इनिशियल कॉस्ट। आप चाहे सोलर पैनल लगाए, उसमें भी बहुत ज्यादा खर्चा आता है सोलर पैनल को लगवाने में। चाहे बायोगैस प्लांट की बात करें, तो उसको भी पहले हम लोग जब बनवाएंगे तो उसमें भी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा आएगी, क्योंकि पूरा कंक्रीट का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। तो इसलिए इसकी क्या है, इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज आती है उसकी दक्षता, इफिशियंसी जिसे कहा जाता है। इफिशियंसी देखा जाए तो ओवरऑल बहुत कम हो जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने 100% ऊर्जा का उपयोग कर लिया है। कुछ ना कुछ ऊर्जा जो है हमारी किसी ना किसी रूप में वेस्टेज के फॉर्म में निकल जा रही, तो हमारी इफिशियंसी जो होती क्या होती, कम होती जाती है। तीसरी चीज जो आती है, हम इसको बेस लोड डिमांड के हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हम लोग अन्य पावर प्लांट में क्या करते हैं, जैसे डिमांड बढ़ती है तो टरबाइन की स्पीड बढ़ा देते हैं, डिमांड घटती है तो टरबाइन की स्पीड घटा देते हैं। उस तरह से हम क्या है, इसका उपयोग नहीं कर सकते। इसका क्या है, जितनी मात्रा में आपकी सौर ऊर्जा निकल रही है आप उतनी ही मात्रा का उसका उपयोग कर सकते हैं, आप उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते अपनी जरूरत के हिसाब से। चौथी चीज जो है, उपलब्धता की अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। उपलब्धता की अनिश्चितता यहाँ कहने का मतलब है कि अगर बरसात का सीजन है या ठंड के सीजन में धूप की जो शक्ति होती है वो क्या होती, कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, एक अनिश्चितता बनी हुई है कि उतनी पावर जनरेट होगी कि नहीं। बायोगैस प्लांट के रूप में बात करें तो उतना कचरा हर बार हमको मिलेगा कि नहीं सड़ाने के लिए, इस पर हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहती है। तो ये इसकी कुछ मुख्य हानियां थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, आज हमने जो इस प्रसंग में बातें करी उसका एक छोटा सा सारांश देख लें कि आज हमने देखा क्या क्या। तो सबसे पहले हमने देखा कि कितनी प्रकार की ऊर्जा होती है। हमने बताया आपको पारंपरिक ऊर्जा, गैर पारंपरिक ऊर्जा के बारे में। फिर हमने गैर पारंपरिक ऊर्जा के प्रकारों के बारे में आपसे डिस्कस किया। उसके बाद आपको हमने गैर पारंपरिक ऊर्जा में मुख्य रूप से दो ऊर्जा के बारे में बात की। एक हमने बात की आप सौर ऊर्जा के बारे में, और एक हमने आपसे बात की बायोगैस एनर्जी के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने सौर ऊर्जा में कैसे फोटोवोल्टिक सेल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, कैसे हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं, उसके बारे में बात की। फिर हमने आपसे बात करी किसके बारे में, बायोगैस एनर्जी के बारे में। उसमें हमने आपको बताया कि दो तरीके कौन से होती हैं, एक होती है फिक्स डोम टाइप, एक होता है फ्लोटिंग डोम टाइप, और किस प्रकार से उस बायोगैस, बायोमास से या बायोगैस से हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे इनके बीच में लाभ और हानि है गैर पारंपरिक ऊर्जा की। अब हम लोग एक सारांश के साथ में आपको एक छोटी सी और एक चीज बताना चाहेंगे कि आज के टाइम में जितना हम लोग डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, हमारे जितना विकास होता जा रहा है, तो हमारे देश में क्या हो रहा है, ऊर्जा की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो हम लोग सिर्फ पारंपरिक ऊर्जा के ऊपर हम लोग खाली निर्भर नहीं रह सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों पर भी अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है, एक समय के बाद ये पारंपरिक ऊर्जा हमारी समाप्त हो जाएंगी। और भारत के पास, जैसे देश के पास, इतने बड़े देश के पास क्या है, बहुत बड़े लेवल पे गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपलब्ध स्रोत अवेलेबल है। अगर हम इसको इफेक्टिव वे में यूज करें तो हम बहुत अधिक मात्रा में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत को उत्पन्न कर सकते हैं, ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। और हमारे देश में इसके ऊपर बहुत तेजी से कार्य भी चल रहा है। हम आपको आज बताना चाहेंगे कि भारत में लगभग 87,000 मेगावाट के लगभग आज की तारीख में जो विद्युत उत्पादन है वो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों से किया जा रहा है। और भारत सरकार ने इसको 2022 के लिए अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया, उसको किया 175,000 मेगावाट के लगभग। तो ये हमारे दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत अच्छी चीज है, पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत अच्छी
चीज है। आज का ये जो पूरा संदर्भ हमने मुख्य रूप से कहाँ से तैयार किया है, bharatskills.gov.in की वेबसाइट से ई लर्निंग कंटेंट से तैयार किया है। इसके अलावा हमने नीमी ऑनलाइन की वेबसाइट से भी कुछ कंटेंट्स लिए हैं। इसके अलावा हमने अरियन पब्लिकेशन की किताबों का भी इसमें प्रयोग किया है। आप भी चाहें तो ये सारा जो है संदर्भ या प्रसंग आप वहां से देख सकते हैं। आज मैंने आपको गैर पारंपरिक ऊर्जा से विद्युत उत्पादन पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य के हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।